गुड इवनिंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। थोड़ा गाइस अब गला बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत ख़राब भी है। आज कैसा है, IBPS में तो शर्म नहीं आई, मगर SBI ने रिजल्ट निकाल दिया। मेरी कज़न का सिलेक्शन हो गया SBI PO में, उसका लखनऊ सर्कल था तो उसका हो गया SBI PO का मेंस। अभी उसका साइकोमेट्रिक का टेस्ट है, फ़ोन आया था बहन का आज। अभी उसके अलावा SBI क्लिनिकल का भी एग्ज़ाम है, हाँ मतलब सॉरी आज ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट हो गए। पेपर लगभग वही देखने मुझे मिला, लोगों ने मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे और उसके ऊपर व्हाट्सएप पे कि सर इतना इतना अटेम्प्ट हुआ, UP से 88 करे, कोई पूरा 90 करके आया, कोई 76 करके आया। अब हर किसी के माइंड में ये है कि भाई वो मेंस पढ़े या ना पढ़े, अटेम्प्ट कम हुए। देखो यार, एक होता है जो बंदा 95-98 अटेम्प्ट करके आ रहा है, मगर उसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि 10-12 गलत हो जाए, इंग्लिश में अच्छा एक्यूरेसी नहीं है। और एक बंदा अटेम्प्ट कर रहा है 82 या 80 या 79, मगर उसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि एक या मैक्स टू मैक्स 2 से 3। प्लस आपकी शिफ्ट कितनी टफ आती है, अगर बहुत टफ है तो मार्क्स बढ़ेंगे, ईजी आएंगे तो नेगेटिव में जाएगा नॉर्मलाइज में स्कोर होके। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, यदि कोई 73 या उससे ऊपर अटेम्प्ट करके आया है पेपर में SBI क्लिनिकल के अंदर, ऑल ओवर इंडिया की बातें कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी तो आप लोग मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे भी जानते हो 25 तारीख का बोल रहे हैं मेंस, तो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर लो 10 फेब के बाद ही आउट होगा, बहुत हो गया तो 10 या 12 में, तो टाइम मिलेगा नहीं। बाकी मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ काइंडली का बंडल PDF कोर्स को रेफर करो, बिकॉज उसका PDF कोर्स और अब SBI का मॉक देखे देखोगे मेंस वाली या प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, बहुत फ़ायदा मिला लोगों को। तो मैं लिंक डाल दूंगा, और कंटेंट दोनों में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, प्लस उसमें वीडियो सोल्यूशन भी है, यदि कहीं अटक रहे हो तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 599 का है, कूपन कोड ऐड करो तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कैसा है ना कि लोगों के माइंड में ये है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। देखो भाई, कट ऑफ तो अभी कल का दिन भी बाकी है, बट ये नहीं, हाँ कोई मुझसे पूछे जैसे कि भैया इस बार महाराष्ट्र में वैकेंसी बहुत गिरी है, लाइक 100 वैकेंसी सिर्फ है, लास्ट टाइम 65 के आसपास था, तब 700 प्लस वैकेंसी थी, तो कोई मुझसे अगर पूछे तो मैं तब भी ये चीज़ बोलूँगा कि भाई महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा कि 65 का सीधा 80 जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि 65 से कट ऑफ बढ़ के 71 पहुँच जाए, बट ये नहीं होगा कि 75-78 जाए, ये नहीं होगा कट ऑफ, बिकॉज महाराष्ट्र में अगर वैकेंसी कम है तो महाराष्ट्र में कॉम्पिटिशन भी उतना कम हुआ है। कोई मुझसे पूछे कि UP कट ऑफ कितना जाएगा, भैया लास्ट टाइम के कट ऑफ से 1-2 मार्क कम कर लो, बिकॉज अगर वैकेंसी बढ़ी है तो वहाँ पर लोगों ने अप्लाई भी ज़्यादा किया है, क्योंकि भैया सबको दिखती हो वैकेंसी। ऐसे ही कल लास्ट डे है तो कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एग्जैक्ट चीज़ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। वाकई यदि वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो नितिन सिंह 4294 पे। वाकई मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।